कितने रुपए हो गए आंटी जी? मैडम 10 रुपए। 10 रुपए ये लो। अरे मैडम 2000 रुपए, आपके पास खुले नहीं है क्या? नहीं खुले तो नहीं है, अगर खुले होते तो दे देती मैं। देख लो क्या पता तुम्हारे पास होंगे। मैडम मेरे पास तो नहीं है, आप देखिए ना शायद आपके पास हो। ठीक है एक बार और चेक कर लेती हूँ। अब खुले तो नहीं है मेरे पास, सारे 2000 के नोट हैं, अब क्या करूँ? लेकिन मैं, मैडम ये तो दिक्कत हो गई, कहाँ से लाऊंगी? हाँ मैडम आप ऐसे कीजिए, सामने दुकान है ना, इनसे मांग लीजिए खुले। ओ हेलो, मैं क्यों जाऊंगी? और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। अरे इतनी बड़ी चाय की दुकान खोलकर बैठी हो और खुले नहीं है तुम्हारे पास, और तुम चाहती हो कि ये खुले के चक्कर में मैं इधर उधर भटकूं, ऊपर से ना ही ऑनलाइन पेमेंट रखी है तुमने। नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना बोने का टाइम है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए खुले नहीं है मेरे पास, बस इसीलिए आपसे कह रही थी और कोई बात नहीं थी। देख ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है और ये तुम्हारी दुकान है, तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी बनती कि तुम्हारे पास खुले होने चाहिए। हाँ हाँ मैडम अपनी जगह आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अब मेरे पास खुले नहीं है तो मैं क्या करूँ? आप ऐसे कीजिए आप ये पैसे ले जाइए, आप ये पैसे मुझे कल दे दीजिएगा। अच्छा तो अब तू चाहती कि 10 रुपये देने के लिए स्पेशली मैं कल इधर आऊँ, यही करती रहूँ मैं, है ना? नहीं नहीं मैडम मैं ये नहीं कह रही, मुझे पता है मैंने देखा है आप कई बार सामने की मार्केट में भी आते रहते हो, तो जब अगली बार आओगे ना तब दे देना आप मुझे मेरे पैसे। चल मान ले अगर मैं नहीं आई तेरे पैसे देने फिर क्या करेगी तू? अरे मैडम तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं ये सोचूंगी कि मैंने आपको गिफ्ट दे दिया, लीजिए आप ये पैसे रख लीजिए। 10 रुपये की चाय देकर मुझे गिफ्ट करेगी ये, ठीक है रख लेती हूँ। क्यों बे, 1 महीने हो गए पूरे और मेरे पैसे कहाँ हैं? तू फोन क्यों नहीं उठा रही? तुझे हमारी केमिस्ट से दवाई लेने में तो बड़ा मजा आया था, अब हमारी उधारी चुकाने में तुझे मौत आ रही है। हमने उस टाइम तेरी मजबूरी समझ के तुझे दवाई दी और अब तू हमारे पैसे नहीं दे रही है। वो मैडम मैं ना आज आपको कॉल करने ही वाली थी बस। तू पागल किसे बना रही है? और जो मेरा उधार लिया है ना वो वापस कर मुझे अभी के अभी। मैडम अभी अभी मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, 1 महीना हो गया कमाई ढंग से नहीं हो रही है, धंधा मंदा हो गया है, कोई पैसा नहीं है मेरे पास। थोड़े बहुत जो कमाती हूँ तो वो पुलिस वाले आ जाते हैं, वो हफ्ता लेके चले जाते हैं। आप लोग मेरी मजबूरी समझिए ना, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। देख मुझे ना किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मुझे ना आज मेरे पैसे चाहिए कैसे भी, वो या तो तू दे या तेरा ठेला बेच के हम निकाल लेंगे। नहीं नहीं मैडम ऐसा मत बोलिए, मैं मानती हूँ कि ये मेरी गलती है, मैंने आपका उधार नहीं चुकाया, लेकिन मैं वादा करती हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, 1 महीने, 1 महीने के तक ना मैं आपका सारा उधार चुका दूंगी। सुनना मैं तुझे कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? ये लोग कौन है ऐसे और आंटी जी को ऐसे परेशान क्यों कर रहे, मुझे देखना चाहिए। देख मुझे ना बहुत अच्छे से पता है, चाहे मैं तुझे कितना भी टाइम दे दूँ तू मेरे पैसे चुका ही नहीं पाएगी, और आज ना मैं अपना पैसा लेकर ही जाऊंगी, चाहे मुझे ये तेरा ठेला बेचना ही क्यों ना पड़े। फूलवती हटा इसके ठेले को। हाँ अब यही करना पड़ेगा। नहीं 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 मैडम जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए। अरे हट, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। 1 मिनट ये क्या कर रहे हो तुम लोग और ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो इन्हें? क्यों मैडम आपको क्या है, आप अपने काम से काम रखो ना। तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या बोला, और जो तुम दोनों ये हरकत कर रहे हो ना इसकी मैं पुलिस कंप्लेन करवा सकती हूँ, फिर आएगी तुम लोगों को बात समझ में। देखो मैडम हमें ना कोई शौक नहीं है किसी को मारने या पीटने का, इससे ना हमारे पैसे उधार लेके रखे हैं, बस इसीलिए हम इनसे पैसे मांग रहे हैं, और कोई बात नहीं है, खामा का हम पे भी इतना टाइम नहीं है। हाँ मैडम जी मेरा बेटा बहुत बीमार था और तब मैंने इनकी दुकान से ना दवाइयाँ ली थी, और इनका उधार मैं अब तक चुका नहीं पाई हूँ। अच्छा कितना उधार है इनका? क्यों मैडम आपको क्या करना है, आप दोगी क्या? जब एक थप्पड़ पड़ेगा ना गाल पे तब समझ आएगी मेरी बात। मैंने क्या पूछा, कितना उधार है इनका? 8000। ये लो ये पूरे 8000 रुपए, और जो भी इनकी उधारी थी वो सारी खत्म होगी आज के बाद, और आज के बाद इनको परेशान करने की कोशिश करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। हमें क्या, हमें तो बस अपने पैसों से मतलब था। चल मैडम जी ये आपने क्या किया, मेरा उधार आपने क्यों चुका दिया, अब मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है कि मैं आपको वापस दूँ। अरे आंटी जी किसने बोला आपको पैसे लौटाने को, और वैसे भी ये सारे पैसे मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट थे। गिफ्ट? हाँ आंटी जी आपने भी तो कल मुझे गिफ्ट दिया था, फ्री की चाय नहीं पिलाई थी आपने मुझे, तो आज ये सब मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। पर मैडम जी वो तो 10 रुपये थे, और यहाँ तो इतने सारे पैसे 8000 रुपये की बात है। नहीं आंटी जी बात यहाँ पैसों की नहीं है, बात अच्छाई की है, और जो अच्छाई आपने मुझे दिखाई है, और वैसे भी आंटी जी अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं
तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ना बहुत अच्छी इंसान हो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। नहीं आंटी जी, अच्छी मैं नहीं, अच्छी आप है, और ये सब आपकी अच्छाई का इनाम था। तो ठीक है फिर ना, मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना रही हूँ, और वो मेरी तरफ से होगी। चाय? हाँ हाँ बिल्कुल। कैसा आप लोग, और जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ फैमिली के शेयर कीजिए ताकि इसका जो मैसेज उन सभी तक पहुंच सके। और कमेंट करके ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि वीडियो कहां कहां तक जाती है और कितने लोगों को इंस्पायर करते हैं। जल्दी से वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ फैमिली का शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।